नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ अपग्रेड के बारे में, जिसको अपर मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, अपवर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी जिस भी भाषा में आप समझते हो, लेकिन आप समझते हो कि अपग्रेड लगाने से हमारा कॉलेज चेंज होगा, तो आज की वीडियो में आपका ये पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। और वैसे तो अभी आपका अपग्रेडेशन का काम है जो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो भी बंदा जिसको भी यहाँ पे कॉलेज मिला है, आज आपके फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अपने मनपसंद का कॉलेज मिल गया, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कोई कॉलेज मिला भी नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है मेरे पास मैसेज करने वाले, वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अपने मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला। तो वो मेरे से पूछ रहे हैं बार बार कि भैया अपग्रेडेशन के बारे में बता दो, किस तरह से अपग्रेड करना है हमें, कैसे हमें दूसरा कॉलेज मिलेगा। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था उन लोगों के लिए। कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई दिया, लेकिन कंटिन्यूअसली एक ही जैसा ये क्वेश्चन मेरे पास आने लगा, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना अच्छा समझा। तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है मेरा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं, देखो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं अभी तक, बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे पास मैसेज किया है, सैकड़ों स्टूडेंटों का यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ चुका है, लेकिन मैं अभी वहाँ पर लगभग 20-30 स्टूडेंटों को ही जवाब दे पाया हूँ। तो अभी तक मैंने आपका जवाब नहीं दिया है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करो, आपने मैसेज किया है तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं और मुझे उनके बारे में पता है कि उन्होंने दूसरी जगह से पेड काउंसलिंग ज्वाइन किया हुआ। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेरे को पता है अच्छे से कि इस बंदे ने दूसरी जगह से पेड काउंसलिंग ज्वाइन किया हुआ है। हमारे भी सोर्स हैं, ऐसा नहीं है, हमारे भी सोर्स हैं किस बंदे ने कहाँ पे क्या किया हुआ है। तो काफ़ी सारे बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया था कि भैया हमें ज्वाइन करना है, मैंने उनको अपना स्कैनर भेजा और उसके बाद में उन्होंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, वो कहीं ना कहीं हिचकचा रहे हैं मेरे से व्हाट्सएप पर पूछने के लिए। तो कुछ ऐसा मैटर मेरे को मिले हैं इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे सभी की मदद करने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बंदा कहीं से दूसरी जगह से पेड काउंसलिंग ज्वाइन किया हुआ है और जब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि हाँ तूने पेड काउंसलिंग ज्वाइन किया हुआ, वो बोल रहा है नहीं भैया मैं तो आपके अलावा कोई चैनल देखता ही नहीं, मैंने तो कहीं ज्वाइन ही नहीं किया हुआ है। तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा उसको रिप्लाई देने में थोड़ा मेरे को वो लग रहा है, और आप में से काफ़ी बंदे ऐसे हैं जिसको मेरा कटु रिप्लाई भी मिला होगा, है ना। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये सारी बातें बात की है, साइड की बात है, इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग मेरे को मजबूर कर रहे हो ऐसी बातें करने पर, है ना। अब बात कर लेते हैं अपग्रेड के बारे में। देखो अपग्रेड अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, अपग्रेड कब होगा? अपग्रेड आपका 10,000 पे करने के बाद में होगा। सिस्टम क्या है अपग्रेड करने का? सिस्टम ये है कि आपको कुछ नहीं करना, 10,000 पे करने के बाद में आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को अपनी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया ये मेरी चॉइस लिस्ट है, इसमें मेरे को इतने नंबर का कॉलेज मिला है, क्या मुझे अपग्रेड के लिए जाना चाहिए, क्या मैं अपग्रेडेशन लगाऊंगा, क्या मैं अपग्रेड करूंगा तो क्या इससे ऊपर वाले कॉलेज मिल जाएंगे? तो मैं आपको बता दूँ कि इससे ऊपर वाले कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इससे नीचे वाले कॉलेज मिल जाएंगे। तो अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि आपके सेकंड राउंड के लिए आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं कि आपने 20 कॉलेज भरी और 20 कॉलेज में से आपको 15 नंबर का कॉलेज मिल गया, है ना। तो अब आपने 20 कॉलेज भरी तो आपको जो 15 नंबर का कॉलेज मिला है ना, वो कॉलेज और उसके ऊपर के कॉलेज वही अब आपके सेकंड राउंड की प्रेफरेंस लिस्ट है, है ना। वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है, उसके नीचे की जो कॉलेज आपने डाली थी वो सारी कॉलेज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है अब आपकी चॉइस प्रेफरेंस में। लेकिन जो ऊपर की कॉलेज है वही अब आपको अपर मूवमेंट के लिए जाओगे तो उन्हीं में से आपको कॉलेज मिलेगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंटों के मन में ये रहता है कि मेरे को 20 नंबर का कॉलेज मिला या 15 नंबर का कॉलेज मिला, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो क्या मेरे को जो ICR देगा तो वो 14 नंबर की कॉलेज में सीट खाली होगी तो वो देगा, या 1 नंबर की कॉलेज में सीट खाली होगी वो देगा? तो मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, और बहुत सारे चमन यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पता नहीं है किस तरह से ICR का सिस्टम काम करता है, तो वो यहाँ पर ज्ञान पेलते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं किस तरह से आपका क्रेशर है, जो ICR का क्रेशर है चॉइस प्रेफरेंस का, वो काम करता है। और ICR ही नहीं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके भाई बंधु जो पढ़ाई कर रहे हैं आप उनसे पूछोगे कि किस तरह से ये क्रेशर काम करता है, कहीं आपके स्टेट में कोई एग्जाम होती होगी तो वहाँ पे भी यही सिस्टम होता है, सारी जगह एक ही सिस्टम होता है। क्या होगा,
आपके सेकंड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस है जो यहाँ पे फिल हो गई है जैसा मैंने आपको बताया। तो अब जब आपका सेकंड राउंड के लिए जब ICR अलॉट करेगा तो वो आपकी पहली प्रेफरेंस से ही देखेगा कि पहली कॉलेज है इसमें कितने बंदों ने इसको प्रेफर किया है और आपके नंबर पे आपको ये कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर पहला कॉलेज आपके नंबर पे नहीं मिल रहा है तो वो आपका सेकंड नंबर पे जाएगा, सेकंड नंबर पे नहीं मिलेगा तो उसके बाद वो थर्ड नंबर पर जाएगा। ऐसे करते करते जहाँ पर आपका सही बैठेगा वहाँ पे आपका वो क्रेशर आपको वो कॉलेज अलॉट कर देगा। तो इस तरह से आपका ये सिस्टम काम करता है अपग्रेडेशन का। तो आशा करता हूँ आपको अपग्रेडेशन से लेकर के किस तरह से काम करता है वो बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि मैंने ये चॉइस फिलिंग की है, क्या मेरे को अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सोच समझ के करने वाला काम है आपका। ऐसा नहीं कि आपने सोचा नहीं, ऊपर देखा नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है और आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया और जो आपको कॉलेज मिला है उससे अच्छा कॉलेज आपको दूसरी बार में ना मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले देखना है कि आपने जो कॉलेज भरी है, जितना बड़ा ये सवाल है ना उतना ही आसान इसका जवाब है, एक ही जवाब है। अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से किया है, आपने कॉलेजों को अच्छे से अरेंज किया है, तो आपको यहाँ पर अपर मूवमेंट लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जो बंदे मेरे साथ में जुड़े हुए थे मैंने उनसे बार बार इसी चीज पर जोर दिया था कि आपको चॉइस फिलिंग इस तरह से करनी है कि अगर आपको 10 नंबर का कॉलेज मिले, आपको 20 नंबर का कॉलेज मिले, आपको 30 नंबर का कॉलेज मिले, तो उसके ऊपर के जो कॉलेज है वो आपके 10 नंबर के कॉलेज से अच्छा होना चाहिए, वो आपके 20 नंबर के कॉलेज से अच्छा होना चाहिए, वो आपके 30 नंबर के कॉलेज से अच्छा होना चाहिए। तब जा करके आप बिगर किसी की मदद के, बिगर किसी से पूछे लास्ट राउंड तक अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर पाओगे। और जो यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। मेरे साथ जो बंदे जुड़े हुए थे उनमें से लगभग 80% बंदों को यहाँ पर कॉलेज मिल गया है, 80% ना बोलूँ तो लगभग 70% बंदों को यहाँ पर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है और उनका रिप्लाई मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है। और बार बार मैंने उनसे बोला था, उन्होंने फॉलो किया तो वो अब उनको यहाँ पर मदद मिल रही है। वो बिल्कुल निश्चिंत है कि वो अपर मूवमेंट के लिए जाएंगे, लास्ट थर्ड राउंड तक अपर मूवमेंट के लिए जाएंगे। तो आपने भी जहाँ से पेड काउंसलिंग ज्वाइन किया हुआ था या आपने खुद से अरेंज किया था, तो मैंने आपको लाइव में आकर के बोला था कि आपकी जो चॉइस प्रेफरेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी चॉइस प्रेफरेंस अच्छी है तो यहाँ पर आपको अपर मूवमेंट के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट थर्ड राउंड तक अपर मूवमेंट के लिए जाना है। जो आपको लास्ट में फोर्थ राउंड में जो कॉलेज मिलेगा आपको उसको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर कई बंदों के ये डाउट रहता है कि भैया सेकंड राउंड में तो हमें सब कैंपस मिल जाएगा, थर्ड राउंड में सब कैंपस मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड में तो हमें मेन कैंपस मिलेगा। तो मैं आपकी ये गलत फहमी भी यहाँ पर बिल्कुल दूर कर देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जवाहरलाल JNKV भी मिला होगा या IGKV मिला होगा, तो वहाँ पर 200+ सीटें हैं IGKV में, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, एक आइडिया बता रहा हूँ। तो वो जो सारी सीटें हैं वो सारी की सारी सीटों के लिए फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग हुई है। ये नहीं कि आपके फर्स्ट राउंड में उसके मेन कैंपस के लिए आपकी चॉइस फिलिंग हुई है, उसके जो सब कैंपस हैं जितनी सीटें हैं वो आपके मेन कैंपस सब कैंपस सबकी मिला करके हैं, तो उनके सारे कैंपसों में आपका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ। अभी आपको पता नहीं है कि कौन सा मेरे को सब कैंपस मिला है कि उसका मेन कैंपस मिला है, लेकिन जब आपको मिलेगा ना, आप फर्स्ट राउंड में जिन लोगों ने अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करोगे, फ्रीज करोगे, तो आपको पता चलेगा हाँ मैंने जो बोली थी वो बात यहाँ पे सही निकली। और जो बंदे वहाँ पे पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछोगे ना, तो जो सच में जानकारी रखता है, जो सच में एक लॉजिकली तरीके से सोचता है कि हाँ इस तरह से मेरे साथ हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं पता होगा। आपको फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट करने वाले सब कैंपस में भी मिल जाएंगे, आपको फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट करने वाले मेन कैंपस में भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है, 1000 के अंदर में आपकी रैंक है, तो हर एक यूनिवर्सिटी में, जिन भी यूनिवर्सिटियों में सब कैंपस है USA बेंगलोर को छोड़ करके, तो आपको बाकी की यूनिवर्सिटियों में मेन कैंपस मिलने की संभावना है। और इसके बाहर में आपका रैंक जाता है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसका मेन कैंपस मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको उस टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए थी, तब आपकी चॉइस फिलिंग हो रही थी, लेकिन आपने उस टाइम पे ध्यान रखा नहीं और अब आप बार बार पूछ रहे हो कि मेरे को सब कैंपस मिलेगा कि मेन कैंपस मिलेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अभी जो आपका काम है वो ये है कि आपको आपकी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट को देखना है कि मैंने जो मेरे को कॉलेज मिला है उससे ऊपर कौन कौन सी कॉलेज हैं, उनमें जाने से मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको उनमें जाने से कोई दिक्कत नहीं है तो आप अपर मूवमेंट के लिए ज़रूर अप्लाई करें।
तो आशा करता हूँ आपको अपर मूवमेंट की, अपग्रेडेशन की, जो भी आप अपनी भाषा में समझते हो वो सारी बात समझ में आ गई होगी किस तरह से आपको करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद में कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और आपसे गुजारिश रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई और दूसरा बंदा दे ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ऐसी जानकारी किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, लोग आपके यहाँ पर आते हैं पेड काउंसलिंग का प्रचार करने के लिए, लेकिन हम आपको एक जेन्युइन और जो सच में जो बातें होती हैं वो सारी बातें आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।